Let's have a class of English conversation. And today we will study about the between the conversation mother and son. कल हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था. कल हम किसके कन्वर्सेशन किए थे? फैमिली. उसके पहले हम माइसेल्फ किए थे. ये हमारी थर्ड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हम माइसेल्फ किए, फिर फैमिली किए. आज हम कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन पढ़ेंगे कि मम्मी और उसके बेटे के बीच में क्या बात हुई थी. आज हम इस टॉपिक पे कन्वर्सेशन करेंगे. पहले मैं वन बाई वन आप लोग को समझाती हूँ. मम्मी से बात करते हो? मम्मी से बात करने में तो बहुत मजा आता है. यस मैम. है ना? पापा डांट के भगा लेंगे, लेकिन मम्मी सारा बकवास शांति से सुनेंगी. पता है सर? तो जो बेटा है वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है. सर उससे मम्मी का क्वेश्चन पूछता है. क्या पूछ रहा है? जो सन है वो बोलता है, मम्मी व्हाई डू नॉट यू गिव मी टॉफीज? व्हाई डू नॉट यू गिव मी टॉफीज? आप मुझे चॉकलेट क्यों नहीं देती? आप मुझे चॉकलेट क्यों नहीं देती? टॉफीज टॉफियाँ जो है वो क्यों नहीं देती? तो मदर रिप्लाई करती है, जो उसकी मम्मी वो बोलती है, टॉफीज आर नॉट गुड. टॉफीज आर नॉट गुड. टॉफी अच्छी चीजें नहीं है. टॉफी अच्छी चीजें नहीं है. दे विल स्पॉइल योर टीथ. दे विल स्पॉइल योर टीथ. वो तुम्हारे दांत को खराब कर देगी. वो तुम्हारे दांत को टॉफी खाते हो? मम्मी छीन लेती है तो उन्होंने लगते होंगे. होता है ऐसा? होता है मम्मी नहीं दी चॉकलेट, रोना स्टार्ट, चिल्लाना स्टार्ट. तो वो भी अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी मुझे आप चॉकलेट क्यों नहीं देती हो? तो उसकी मम्मी बोलती है कि टॉफी अच्छी चीजें नहीं है, उससे तुम्हारे दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे. उससे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे. तो सन बोलता है, इफ दे आर बैड, अगर वे बुरी है, अगर वे खराब है, देन व्हाई डू माय फ्रेंड्स मदर गिव देम टॉफी एवरी डे? तब मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो दोस्त है, उसकी मम्मी उनको चॉकलेट क्यों देती है? उसकी मम्मी उसे चॉकलेट क्यों देती है? आप लोग को भी कंप्लेन करता है मम्मी से, मेरी फ्रेंड ये काम कर रही है, हमको भी करना है. ऐसा होता है? सबसे पहले किसके एग्जाम्पल देते हो? अपने दोस्तों को, उसके पास है मुझे भी चाहिए. होता है ऐसा? तो वो भी बोल रहा है कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी उसे डेली चॉकलेट देती है. जब आप बोल रहे हो कि वो खराब है, बैड है, तो उसकी मम्मी उसे क्यों देती है? तो मदर बोलती है, यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर अ फ्यू इयर्स. तुम्हें ये समझ में आएगी कुछ साल बाद. अच्छा बताओ, चॉकलेट खाते तुरंत असर जाते हैं क्या? नहीं. अगर तुम पर डे एक एक चॉकलेट भी खाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे दांत स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीजें नहीं होती हैं. लेकिन तुम्हारा तुरंत नहीं समझ में आएगा, अभी तुम्हारा तुरंत से दांत खराब नहीं होगा वो. हाँ, एक साल डेढ़ साल तुम कंटिन्यू खाओ, उसके बाद देखो तुम्हारे दांत का कंडीशन, टीथ का कंडीशन वो खराब होने लगते हैं. वो क्या होते हैं? खराब होने लगते हैं. तो वही बता रही है मम्मा उसकी, ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, ये तुम जब कुछ साल बाद जब उसके दांत देखोगे जो खराब हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन अभी तो चॉकलेट चाहिए थे. तो फिर सैम बोल रहा है, अच्छा मम्मा, मम्मी यू व्हाई डोंट यू गो टू द सिनेमा? सिनेमा मीन्स मूवी. सिनेमा मीन्स मूवी. मूवी पिक्चर देखे हो? yes. मूवी या सिनेमा वही चीज होता है. कि आप मुझे सिनेमा क्यों नहीं ले जाती? आप मुझे सिनेमा क्यों नहीं ले जाती? तो मम्मा बोलती है, डिडंट वी गो टू द सिनेमा लास्ट मंथ? क्या हम लोग पिछले मंथ सिनेमा नहीं गए थे? मे बी वो लास्ट मंथ गया होगा. वो लास्ट मंथ गया होगा. तो वही बोल रहा है कि उसका बेटा जो था, सन जो था, वो बोला कि मम्मा आप मुझे सिनेमा क्यों नहीं ले जा रही हो? तो उसकी मम्मा बोली कि लास्ट मंथ तो हम गए थे. लास्ट मंथ हम गए थे. फिर बोलता है, यस वी वेंट. हाँ हम लोग गए थे. बट वी गो ओकेजनली व्हाइल आवर नेबर गो फ्रीक्वेंटली. लेकिन वो जो सन है वो बोलता है कि हाँ हम गए थे, लेकिन हम ओकेजनली जाते हैं. ओकेजनली मतलब किसी कुछ खास दिन पे, किसी कुछ खास दिन पे. लेकिन जो हमारे नेबर है, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबर्स मतलब पड़ोसी. लेकिन जो हमारे नेबर है वो हमेशा जाते हैं, वो हमेशा जाते हैं. किसे कंपेयर करोगे? या तो अपने नेबर से कंपेयर करते हो, या तो फ्रेंड्स के बारे में बताते हो. बताते हो कि मेरा फ्रेंड ये काम करता है, मुझे भी करना है. मेरे पड़ोसी यहाँ गए थे, मुझे भी जाने हैं. ऐसा बोलते हो क्या? बोलते हो हमेशा. तो
सन बोल रहा है कि हाँ हम गए थे लास्ट ईयर, लेकिन हम लोग ओकेजनली जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। जैसे कभी किसी का बर्थडे हुआ तब चले गए, कभी किसी का एनिवर्सरी है तब चले गए, या फिर कुछ स्पेशल डे है तब चले गए। लेकिन जो उसके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, वो हमेशा जाते रहते हैं। जब छुट्टी मिला तब घूमने चले गए, जब छुट्टी मिला तब घूमने चले गए। तो मदर बोली, मदर को क्या बोली, ऑल पिक्चर्स आर नॉट वर्थ सीइंग, ऑल पिक्चर्स आर नॉट वर्थ सीइंग माय बॉय, मेरे बच्चे सभी मूवी देखने लायक नहीं होती है, सभी मूवी देखने लायक नहीं होती है। वी मस्ट नॉट सी बैड पिक्चर्स, हमें बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए, हमें खराब फिल्में नहीं देखनी चाहिए। बैड पिक्चर्स विल मेक यू बैड, बैड पिक्चर्स विल मेक यू बैड, बुरी पिक्चर तुम्हें बुरी बना देगी। अच्छा मूवी जाते हो तो देखते हो किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें अच्छा चीजें रहते हो वो तो सीखते हो कि हाँ ये ऐसे किया, लेकिन उसमें कभी कुछ बुरी चीज होती है जैसे स्मोक, उसमें देखो स्मोक करते हैं, स्मोक करना मतलब सिगरेट फेंका होता है मूवी में, उसके नीचे लिखा रहता है स्मोकिंग इज हार्मफुल, लेकिन वो तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, देखो इसे स्मोक कर रहा है, घर आके बोलोगे मुझे तो स्मोक करना है, कहाँ से सीखने मिला, मूवी से, हेयर स्टाइल, ड्रेसेस, कहाँ से, मूवी से, घर आके बोलोगे मुझे भी ऐसे ही हेयर स्टाइल बनाना है, हेयर स्टाइल फिर वैसे ही ट्राई करोगे गर्ल्स, ड्रेसअप, मूवी में हीरोइन ऐसे कपड़े पहने थे मुझे भी चाहिए। अच्छी चीजें तो अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं जो बच्चे लोग को, हर बच्चे को नहीं देखना चाहिए। जैसे आप लोग के माइंड में जल्दी से वो कैच होगा, कॉपी, कॉपी करने की आदत है, कॉपी करने की आदत है, सबसे ज्यादा कॉपी किसको करते हो, घर पे मम्मी का, स्कूल में टीचर्स का, करते हो, होते हैं ऐसे। मूवी जाओगे तो फर्स्ट मूवी में ऐसे हुआ था, ये चीज करेंगे, मूवी में चीज हुआ था, मूवी में देखिए वीडियो गेम, हम घर आके वीडियो गेम चाहिए, होते हैं तो ऐसे चीजें होते हैं। तो ऑल पिक्चर्स आर नॉट वर्थ सीइंग, सारे पिक्चर्स जो देखने लायक नहीं होती हैं, तो कुछ पिक्चर जो है हमें नहीं देखनी चाहिए। वी मस्ट नॉट सी बैड पिक्चर्स, हमें बुरी पिक्चर्स नहीं देखनी चाहिए। तो सन बोलता है मम्मा व्हाई मी ए वॉच, व्हाई मी ए वॉच, वॉच मींस घड़ी, many of my friends have watches, many of my friends have watches, ab batao friends ko copy kiya, friends ko dekha watch hai uske paas, kya bola, mere sare doston ke paas watch hai, mujhe bhi chahiye, mujhe bhi chahiye, to uski mama bolti hai chalo theek hai watch achhi cheeze hai, to I will give you a watch on your birthday, kab degi, as a birthday gift kya milega, watch, kya milega, watch, वॉच। कन्वर्सेशन समझ में आया, मदर और सन के बीच का कन्वर्सेशन समझ में आया, गुड। तो एक बार इंग्लिश रीड कर लेते हैं फिर इसको हिंदी कर लेते हैं। सन बोलता है मम्मा व्हाई डू नॉट यू गिव मी टॉफीज, मम्मा ने ट्राई कर दिया, टॉफीज आर नॉट गुड, टॉफीज आर नॉट गुड, दे विल स्पॉइल योर टीथ, दे विल स्पॉइल योर टीथ। फिर सन बोलता है इफ दे आर बैड, इफ दे आर बैड, व्हाई डू माय फ्रेंड्स मदर्स गिव देम टॉफीज एवरी डे, अगर टॉफी बुरी है तो मेरी दोस्तों की जो मम्मा है वो उन्हें क्यों देती हैं। फिर मदर बोलती है यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर अ फ्यू इयर्स, तुम्हें ये कब समझ में आएगी, कुछ साल बाद। फिर बोलते हैं मम्मा व्हाई डोंट यू गो टू द सिनेमा, मम्मा आप सिनेमा क्यों नहीं जाती, मम्मा व्हाई डोंट यू गो टू द सिनेमा, तो मदर बोलती है didn't we go to the cinema last month, kya hum log last month cinema nahi gaye the, last month cinema gaye the, so sun bolte yes we went, ha hum gaye the, but we go occasionally, hum log kabhi kabhi jate hain, while our neighbors go frequently, jabki hamare jo neighbors hai wo hamesha jate hain, to mother bolti hai all pictures are not worth seeing, all pictures are not worth seeing my boy, we must not see bad pictures, bad pictures will make you bad, bad pictures will make you bad, bad. So mama buy me a watch, buy me a watch, many of my friends have watch, many of my friends have watch, mother reply I shall give you a watch on your birthday, I shall give you a watch on your birthday, hindi read kar le, बेटा जो था वो बोलता है माँ आप मुझे टॉफियां क्यों नहीं देती,
जो उसकी मम्मी है मम्मा है वो बोलती है टॉफी अच्छी चीज नहीं है वह तुम्हारे दांतों को खराब कर देगी। तो फिर उसका जो बेटा है वो बोलता है यदि वे खराब है तब मेरे जो दोस्त हैं उसकी मम्मा उसे चॉकलेट क्यों देती है डेली, उसे प्रतिदिन टॉफियां क्यों देती हैं। माता बोलती है उसकी मम्मा है वो बोलती है तुम कुछ सालों के बाद इसे समझ जाओगे, तुम कुछ सालों के बाद इसे समझ जाओगे। फिर जो थे बेटा था वो बोलता है मम्मा आप सिनेमा क्यों नहीं जाती हो, आप सिनेमा क्यों नहीं जाती हो। तब मम्मा उसकी बोलती है क्या हम पिछले मंथ सिनेमा नहीं गए थे, क्या हम पिछले मंथ सिनेमा नहीं गए थे। तो बेटा बोलता हाँ हम गए थे, उसका जो सर था वो क्या बोला हाँ हम गए थे पर हम लोग ही अदा करना चाहते हैं, हम लोग कब जाते हैं अदा करना चाहते हैं जबकि हमारे पड़ोसी बहुधा जाते हैं, हम लोग कभी कभी जाते हैं लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं वो कहाँ जाते हैं हमेशा जाते हैं, कहाँ जाते हैं सिनेमा, कब जाते हैं तो हमेशा जाते हैं। तो उसकी मम्मा रिप्लाई करती है सभी फिल्में देखने लायक नहीं होती है, सभी फिल्में देखने लायक नहीं होती है मेरे बच्चे, हमें खराब फिल्में नहीं देखनी चाहिए, हमें खराब फिल्में नहीं देखनी चाहिए, खराब फिल्में तुम्हें खराब बना देगी, खराब फिल्में तुम्हें खराब बना देगी। तब बेटा बोलता है हाँ मेरे लिए घड़ी खरीद लो, क्या खरीद दो घड़ी, मेरे कई मित्रों के पास घड़ियां हैं, मेरे कई मित्रों के पास घड़ियां हैं। उसने बोला था मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव वॉचेस, मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास घड़ियां हैं। तो मां उसकी जो मम्मा थी वो बोलती है मैं तुम्हें जन्मदिन पर तुम्हें एक घड़ी खरीदूंगी, तुम्हारे जन्मदिन पे क्या खरीदती देगी उसे घड़ी खरीद के देगी। ये समझ में आ गया जो कन्वर्सेशन था मदर एंड सन के बीच का, वो आप लोगों को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है कहीं पे नहीं। ओके देन कम एक बच्चे आ जाइए, पहले कन्वर्सेशन कर लेते हैं किसी एक के साथ, फिर आप लोग दो दो करके ग्रुप बना के आएंगे और कन्वर्सेशन करेंगे। वो भी कम पास यू विल कम कम राधा रीड फर्स्ट लाइन मम्मी Thank you.
are not good. They will to spoil your teeth. If they are bad, Cinema. Last month. Yes, we went, but we go. Occasionally, while our neighbors go. Frequently. All pictures are not worth seeing. Why? We must not see. Bad pictures. Will make you bad. By me, but many of my friends have watches. I shall give you a watch on your body. Good. Any confusion? No, ma'am. Go. What do you say? Tapping for 10 seconds. Come, Shubha ma'am, today. Come fast. While our neighbors go frequently. All pictures are not worth seeing. My boy, we must not see bad pictures will make you bad. You bad.
मम्मी बाय मी ए वॉच मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव वॉचेस आई सेल गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे Now come Chandan and Alisha. Start. Mummy, why do you give me toffee? Toffees are not good for me. If they are wet, then why do my friends mother give them toffees every day? You will understand it after a few years. Mummy, why don't you go to the cinema? Didn't we go to the cinema last year? Yes, we went, but we go occasionally. While our neighbors go frequently. All pictures are not worth seeing. My boy, we must not see that. Bad pictures will make you bad. Mummy, why me a watch? Many of my friends have watches. I shall give you a watch for your birthday. On your birthday. Okay. Do you understand? Yes, ma'am. Go. Clap and for Ayushman and Chandan. Now who will come? Come, Ankit and Sohi. तुम्हारे तुम्हें एक घड़ी दूंगी। समझ में आया? Yes.
I think, do you understand? Will I hear them? Yes. Doubt hai kisi ko? No, ma'am. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया। दोबारा से रीड करने का तो जरूरत नहीं है। नो मैम। नहीं तो कल हम पढ़ेंगे हाउस। कल का हमारा टॉपिक है हाउस। हाउस मींस घर। घर हाउस मींस घर। घर तो कल हम घर के बारे में पढ़ेंगे। एक्साइटेड हो घर के बारे में जानने के लिए? तो कल हम घर के बारे में पढ़ेंगे और आज ये क्लास में खत्म करते हैं। आप लोग इसको घर से रीड करके आइएगा। मदर एंड सन के बीच का जो कन्वर्सेशन है जो आज